टीचिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे SSC CET मेंस जो ग्रुप 56 का एग्ज़ाम है, तो क्या उसमें जो अगर रिपीटेड क्वेश्चन है जो दोनों पेपर है उसको डिलीट कर दे तो क्या वैकेंसी जो बच सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आपने कैंसिल की तो काफ़ी वीडियो देख ली होगी जिसमें अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं कैंसिल करने के, और कुछ यूट्यूबर तो झूठे तर्क दे रहे हैं कैंसिल करने के। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भी बच ये वैकेंसी बच कैसे सकती है। तो सबसे पहले भाई इस पे मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट इसको कैंसिल करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर HSSC चाहे तो ये वैकेंसी एक तरीके से बच सकती है। वो कैसे? क्योंकि जो ग्रुप 56 वाले हैं जिन्होंने 57 का एग्ज़ाम पेपर ना देखा या फिर नहीं दिया, तो उनका ये सबसे बड़ा जो है एक तरीके से पॉइंट ये है कि जो है 57 वालों को इसमें एडवांटेज मिल रहा है, तो जो कि कहीं ना कहीं कुछ 5-7 क्वेश्चन का मिल भी रहा है। क्योंकि जो एक तरीके से 41 रिपीटेड थे वो इतने भी मुश्किल नहीं थे कि आराम से बच्चा उसमें 35 क्वेश्चन करीब जो है सब इसमें कर ही लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें एडवांटेज तो थोड़ा इसमें मिल रहा है 57 वालों को। तो सबसे पहले हम कंडीशन ये देखें कि भाई सबको अगर 41 क्वेश्चन की बोनस दे दी जाए तो इसमें फ़ायदा तो है, लेकिन उन बच्चों का फ़ायदा इसमें ज़्यादा है जिनके 41 में से वो क्वेश्चन 57 वाले में डील गलत थे और उन्होंने वो सही कर लिए, तो उनको एक तरीके से बेनिफिट मिलेगा। इस पर भी भाई कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन बाद में उठा सकते हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन जो अभी लगता है जिससे वैकेंसी बच सकती है और इसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठना चाहिए, तो वो है कि रिपीटेड क्वेश्चन जो 41 है उनको डिलीट करके 59 में से जो है मेरिट बनाई जाए। क्योंकि काफ़ी जो स्टेट बोर्ड्स जो है ये ऑप्शन करते हैं एग्ज़ाम्स में कि उनके कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन में एरर होता है प्रिंटिंग, तो वो सबको बोनस ना दे के वो क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं। राजस्थान में भी और कई जगह ये वो है करते हैं, वो क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है सबके साथ जो है गलत होने से जो बच जाता है। तो इसी तरीके से HSSC भी ये फॉर्मूला अपना सकती है कि भाई 41 क्वेश्चन को बोनस ना देकर डिलीट कर दे और जो है मेरिट लिस्ट 59 में से बनाई जाए। इससे ये पॉइंट उन बच्चों का ख़त्म हो जाएगा कि भाई 57 वालों को इसमें एडवांटेज मिल रहा है। तो 41 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद जिसके भी भाई 59 में से जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है मेरिट बनाया जाए, यही एक वैलिड पॉइंट दिखता है जिससे ये वैकेंसी बच सकती है। क्योंकि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, तो क्योंकि कैंसिल होने का पॉइंट इसमें बन सकता है आगे, तो इससे बचाने के लिए यही ऑप्शन है कि 41 को डिलीट करके 59 में से सबकी एक मेरिट बनाई जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।